बच्चों, आज हम कक्षा छः के विज्ञान में अध्याय दो का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको देखेंगे। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो टेस्ट देखा था, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें विशेष तौर पे ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन जो वसा होता है, जो मैंने बताया था बच्चों, तेली चीज़ जो होती है उसे वसा कहते हैं। तो जो वसा होता है, अगर हम 100 ग्राम वसा लें और 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें, तो उसमें 100 ग्राम जो वसा होता है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। हमारे जो शरीर में जो वसा और प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है शरीर की वृद्धि और उसको स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जानते हैं आप लोग जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है, जैसे आप दाल खाते हैं, कुछ लोग मांस खाते हैं, पनीर हुआ, तो ये सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है ज़्यादातर मात्रा में। मशरूम होता है उसमें भी प्रोटीन होता है, सोयाबीन होता है उसमें भी, सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन में होता है। तो ये प्रोटीन इसलिए खाया जाता है, खासतौर पे जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, उसके लिए प्रोटीन बहुत ही लाभदायक होता है, और इसलिए इसको हम शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं प्रोटीन युक्त भोजन को। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। देखिए बच्चों, विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, VITAMI यानी विटामिन होता है इंग्लिश में ना, तो वाइटामिन्स होता है लाइफ एंड एमाइन मीन्स इसेंशियल, दोज थिंग्स विच आर इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब कि जो ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है उसे हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। विटामिन्स में हम आगे बताएंगे आपको, कई प्रकार होते हैं इसके, ABCDE 5 होते हैं ये प्रकार में। और विटामिन क्या करता है कि विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन की खास तौर पे ये विशेषता हो कि हमारे रोगों से ही रक्षा करती है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों जिसे हड्डियाँ कहते हैं, तो विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रहने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसको हम जो याद करने का एक तरीका होता है हम देख लेंगे। ADEK जो कि वसा में घुलनशील होता है, और एक होता है विटामिन बी अलग, ठीक है, पांच प्रकार मैंने बताया अभी आपको। तो जो होता है चार होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब कि तैली चीज़ों में, और एक होता है जो कि जल में घुलनशील होता है जिसे हम विटामिन बी कहते हैं। तो विटामिन बी कई प्रकार का होता है, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5 ऐसे होता है, इसलिए हम इसको एक नाम देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विटामिन बी के जो समूह होते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। जो विटामिन ए होता है वो क्या करता है, हमारी त्वचा जो स्किन होता है और हमारी आँख आईज को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी का काम क्या होता है बच्चों, बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी क्या करता है, ये मदद करता है। विटामिन सी आप जानते हैं ना, आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है और नींबू में भी पाया जाता है, आम में पाया जाता है, अभी सीजन में देखो आम चल रहा है, इसमें भी पाया जाता है विटामिन सी, आलू में भी पाया जाता है विटामिन सी। तो इस तरह से विटामिन सी क्या करता है, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। तो विटामिन डी क्या करता है, हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो आपकी हड्डियाँ और दांत क्या पड़ जाएंगे, कमज़ोर, क्योंकि ये कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है विटामिन डी।
विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन हम फिगर में देखिए, आप बुक में देखेंगे इसमें है, आप देखिए। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। आप लोग बच्चे जानते हैं मिनरल्स जो होते हैं, और मिनरल्स में आप देखें ना, कैल्शियम हुआ, कैल्शियम अगर नहीं होगा तो आपके दांत, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी बोलो तो। और अभी आपके शरीर में आयरन, जो लोहा जिसे हम कहते हैं, आयरन की कमी हो गई तो आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लड में भी जो आपके लाल रंग का खून होता है ना, वो उसमें आयरन पाया जाता है, तो उसकी कमी हो जाएगी तो सांस फूलने लगता है, आप हाँफने लगेंगे इस तरह से ना। इसलिए खनिज लवण भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शरीर में। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होते हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को इस फिगर में हम देख सकते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, आप सारणी में देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। चावल आप लोग खाते हैं ना बच्चों, तो चावल जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक की अपेक्षा क्या होती है, बहुत होती है। या ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट उसमें स्टार्च सब पाया ही जाता है, चावल स्टार्च से ही बना होता है, उसमें कोई वसा या प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। अगर चावल खाते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन शरीर का ग्रोथ, हमको शरीर की वृद्धि भी तो करना है। हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, लोग कहेंगे नहीं कि बच्चे, आप जैसे कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, उनको उचित पोषण नहीं मिल पाता है पोषक तत्व, तो अभी केवल कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाए, प्रोटीन न दिया जाए तो क्या होगा, उसकी शरीर का विकास हो पाएगा, वो छोटा का छोटा ही रह जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, उसकी मांसपेशियाँ मजबूत नहीं हो पाएंगी। इस तरह से एनर्जी तो मिलेगा लेकिन और चीज़ें, इसीलिए हमको पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। प्रोटीन भी लेना है, वसा भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, और ख़ासतौर पर विभिन्न रोग जो होते हैं उनसे बचने के लिए हमको विटामिन भी तो लेना है ना। तो चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल हुआ, आलू हुआ, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत पाया जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। अब आपने पोषक तत्व तो ले लिया, क्या आप केवल उसी के सहारे रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको आहारी रेशे, कुछ आहारी रेशे होते हैं, और जल, पानी की तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इस समय जो कि गर्मी का मौसम चल रहा है, इस समय तो आपको पानी बहुत ही ज़्यादा पीना है, सबसे ज़्यादा पानी, क्योंकि अगर जल आप नहीं लेंगे तो डिहाइड्रेशन का भी शिकार आप हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसीना भी तो निकलता है पानी के रूप में, तो पसीना निकलेगा, आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना। तो पानी आपको लेना है, पानी की कमी नहीं होने देना है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश मतलब क्या होता है जानते हैं आप, रफेज इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको, रफेज, ठीक है। और ये होते हैं कौन कौन से, मुख्यतः ये साबुत खाद्यान्न होते हैं, दाल होता है, आलू होता है, ताजे फल और सब्जियां हैं, पालक वगैरह, ये सब रुक्षांश में आते हैं बच्चों। ये मुड़ता है, इसका डाइजेशन तो नहीं हो पाता, लेकिन इनमें के जो मिनरल्स होते हैं वो सब तो ले लिए जाते हैं, बाकी जो नहीं डाइजेस्ट होते ये हमारे आप कह सकते हैं कि रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान तो ज़्यादा नहीं देता है, फिर भी हमारे भोजन की आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना बचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। हम जो भोजन करते हैं बच्चों, उसमें कुछ भोजन पचता है और कुछ नहीं पचता, जो कि बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये रुक्षांश जो होते हैं उन जो भोजन नहीं पचते हैं उनको बाहर निकालने में सहायता करता है। अगर आप रुक्षांश नहीं लेंगे तो आपको कब्ज भी हो सकता है, क्योंकि बाहर डाइजेस्टेड जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो कि नहीं पचा है उसको बाहर भी तो अच्छे से निकालना है ना, तो इसीलिए रफेज बहुत ही, जो रुक्षांश होते हैं बहुत ही अच्छा उसमें सहायता करते हैं। जब भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, जल, जो जल होता है भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की क्या करता है, सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकलने में भी सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हुआ, दूध हुआ और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से जल हमको मिल जाता है। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ओके।